इसलिए हम वो लोग हैं कि जो हमारा ताल्लुक हम सिर्फ अदब इश्क मोहब्बत अतात और नेकी देखते हैं। ये अगर वाबियों में है तो उनके साथ हो जाओ, बरेलवियों में है तो उनके साथ हो जाओ, जमात इस्लामी के पास है तो उनके साथ हो जाओ। जो रसूलुल्लाह के इश्क की जंजीर का कैदी है वो कोई भी हो बगैर मिर्जाई के, चूंकि वो काफिर है, उनके साथ हो जाओ। मेरी बात समझोगे नहीं, ये मैं ऐसा बारीक मसला बयान कर चुका हूँ कि सारे अपनी अपनी जगह कान पकड़ के बैठेंगे। एक मेरी बात याद रखो, मैं कोई कायल नहीं हूँ बरेलवी वाबी देवबंदी शिया सुन्नी ये वो, मैं किसी का कायल नहीं हूँ। आप हैरान होंगे, मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी बात थोड़ी करता हूँ। मैं कायल ही नहीं हूँ ये बरेली है, ये कौन है, ये देवबंदी है, ये कौन है, ये अहले हदीस है, ये कौन है, ये आठ पढ़ने वाला, और तू कौन है, मैं भी पढ़ने वाला, तू कितना पढ़ना, मैं 35 पढ़ने वाला, होते रहो, मुझे किसी से कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं मानता हूँ। मैं सिर्फ उसी को मानता हूँ जिसको हाथ लगाओ तो कमली वाले का इश्क बोले। मैं तो उसको मानता हूँ, वो देवबंदी है तो इश्क रसूल में जल रहा है तो मेरा इमाम है, और वो शिया है तो सहाबा आले बैत अथहार उम्महातुल मोमिनीन तमाम सहाबा इकराम, तमाम सहाबा इकराम और तमाम औलिया अल्लाह का ताबेदार बादब हस्बे मरातब तज़ीम करता है, और इश्के रसूल में डूबा हुआ है मेरा इमाम है। और ये आठ पढ़ने वाले तुम्हें 20 पढ़नी चाहिए, और अगर नहीं पढ़ते तो मुजरम तुम हो, लेकिन नबी की अजमत का गीत गा रहे हो और बच्चों बीवियों छोटों बड़ों अपनों बेगानों को इश्के रसूल का दर्श देते हो, ताजीम नबी सिखाते हो, कदम कदम पर मेरे नबी को पुकारते हो, या नबी मरहबा, कोई तुझे माने ना माने मैं मानता हूं। और बरेलवी अगर तू एक नमाज ना पढ़े और नबी का नाम ना ले, तुझसे वो देवबंदी अच्छा जो इश्के रसूल में रो रहा है। आपको शायद मेरी ये तौजीह पसंद आई या नहीं आई।